गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है पांचवा दिन मानसून महाराष्ट्र राइड का और हम लोग अभी हैं भंडारधारा डैम के पास और आज है अपना राइड का प्लान मालशेज घाट का। ज़्यादा सामान तो लेके जाना नहीं है क्योंकि यहीं पे वापस आना है। तो अभी टाइम हो रहा होगा 8 बजे के आसपास। यहाँ से कालू वाटरफॉल का टॉप व्यू जो है पॉइंट वो है 100 किलोमीटर और लग जाएंगे हम लोगों को 3-4.5 घंटे क्योंकि हम लोग रुकेंगे कहीं, थोड़ा नाश्ता वास्ता किया जाएगा, ब्रेकफास्ट करना है। अभी तो गए थे बहुत फिसल रहा है। अभी यहाँ से कितना है, हैं? कहाँ से रोड अंदर जा रही है? कब निकलते हैं हम लोग इधर से? फोटो इंस्टाग्राम पे जरूर लगाऊंगा। बहुत फिसल रहा है, बहुत अभी तुम नचाए हो इसलिए हुआ। अभी वो हुआ ना व्हील स्पिन, तब हुआ होगा। घास से आए तो साफ हो गया होगा ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं। अभी तो ट्रिकी पार्ट है यहाँ से बाइक को निकालना, देखते हैं। टफ काम है। और यस, घुमा लिए हम तो ऐसे ही, मगर चढ़ेगी कैसे वो देखना पड़ेगा क्योंकि ग्रिप नहीं है, बहुत फिसल रहा है। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगने वाली है इसको यहाँ से निकालने में। तो बादल आते जाते रह रहे हैं तो फॉग आ भी रहा है, जा भी रहा है। यहाँ पे कुछ जीव जंतु हमारे तरह विचरण कर रहे हैं। अब वो आ गए तो हम जाते हैं भाई, अब वो चरें हम चर लिए, अब हमारा हो गया, हम आगे जाते हैं। हाँ
मैं ऑफ रोड लगा लूँ क्योंकि व्हील स्पिन मिल जाता है बहुत ज़्यादा इसमें। फ्यूचर मौसम खुला खुला हुआ थोड़ा सा, कभी आ रहा है बादल कभी जा रहा है। बहुत कठिन है, टर्न हो जा रही है भाई, घास घास से ज्यादा सही है। गाइड हो क्या? हाँ गाइड हो। आ जाओ तो फाइनली वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रैक टुवर्ड्स द रिवर्स वाटरफॉल ऑफ कालू। और सकाराम भैया हैं अपने, होटल है गाँव में। अच्छा फ्लेमिंगो रेस्टोरेंट, तो वो खाएंगे ना वहाँ पे आलू पकौड़े। चल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तक तो पूरी ट्रिप अच्छी जा रही है, आज है अपना पांचवा दिन। टूरिस्ट लोगों पे फाइन क्या नहीं मारते जो कचरा फेंकते हैं? इधर फॉरेस्ट चेक पोस्ट लग गया मगर ये कचरा फेंकने वालों के लिए कुछ नहीं है। आओ फेंको कचरा इधर, कुछ सीखना चाहिए लोगों को। कालू रिवर है जो वाटरफॉल बनती है आगे। हाँ ये वाला जंगल में जाते हैं, हर चीज में बच्ची पानी आए। अच्छा ये हरिश्चंद्रगढ़ है? हाँ ये वाला बाजू का, इसका भी तो ट्रैक है, इसका ट्रैक होता है ना हरिश्चंद्रगढ़ का, वो भी अच्छा खतरनाक वाला है। रेलिंग पड़ के ऊपर जाना है वो टफ वाला। कालू रिवर में और भी कुछ जुड़ता है कि बस यही है? हाँ और भी छोटा मोटा नदी भी जुड़ता है। हाँ छोटा मोटा जुड़ता है, बड़ा हो जाता है। क्लाउड्स हैं भाई साहब, माहौल बना देते हैं। चले जा रहे हैं ये क्लाउड्स और उसके पीछे वाटरफॉल्स धबधबा, बढ़िया मजे।
देखो करने के बाद अपन लोगों को व्यू ऐसा मिला है, ये है, वहाँ तक नहीं जा रहे हैं तक, मगर खतर है, एकदम खतरनाक, एक नंबर। देखो वी आर हेडिंग बैक, काफ़ी देख लिया, मतलब 5-10 मिनट तक तो व्यू मिले ऑन एंड ऑफ, उसके बाद मालशेज जाना है अपने को। सही रहा तो सवर्ने विलेज है, वहाँ से कालू वाटरफॉल दिखता है, वहाँ जाके देखेंगे एक बार नीचे से व्यू। तो अपने पीछे आ गई है बारिश तगड़ी वाली, अब हम लोग अब जा रहे हैं इधर, इधर है मौसम खुला। अरे यार बहुत ही सीनिक रूट है, इधर पीछे देखो बादल, यही है सीन। गुड ऑब्जर्वेशन डन बाय पंकज, यहाँ पे किसी ने हमारा देखा कि हम कहाँ से आए हैं, तो उसने के और ए साफ किया है चेक करने की भाई कहाँ से चल के आए हम लोग। इसी हाल लगे हाथ पूरी गाड़ी धुल देते हैं, पानी बगल में ही था। चलो पहनते हेलमेट, ट्रैक हो गया कंप्लीट और व्यू भी तगड़ा मिल गया, चलते हैं अभी घर से।
फाइनली दिख गया कालू वाटरफॉल। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आया था तब जाके पता था मुझे कि ये स्पॉट है एक, तो वहाँ से अपने को कालू वाटरफॉल का पूरा व्यू मस्त वाला मिलेगा। इधर है पैराडाइज वाटरफॉल जो एक इधर दिख रही है, और ये है कालू वाटरफॉल, दोनों गजब दिख रहे हैं। हाँ सर, फोटो अच्छी आएगी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, पंकज निकल गए आगे। वाटरफॉल अब छुट चुकी है क्योंकि बारिश हो रही है, और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस। एक नंबर, क्या ही दृश्य है। पूरा भिगा दी भाई, गजब। अरे ये वाले वाटरफॉल में थोड़ा स्लो में पड़ गए क्योंकि बारिश हुई है। वी आर डन विद द राइड, आज का राइड हुआ खत्म। हम लोग अपने होटल वापस आ चुके हैं भंडारधारा में। आज का सीन ये था कि हम लोगों ने मालशेज घाट किया, कालू वाटरफॉल किया। तो आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। सी यू, टाटा बाय।